और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कल पुणे में खेला जाएगा। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पहला मैच जीतकर भारतीय टीम 1-0 से आगे है। इस दौरान भारतीय गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। विराट कोहली की टीम ने पहले टेस्ट मैच के दौरान एक भी कमी नहीं छोड़ी और टीम ने 203 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। अब टीम इंडिया का टारगेट होगा कि वो इस मैच को भी जीते और फिर सीरीज पर कब्जा करे। दूसरे टेस्ट में विराट कोहली एंड कंपनी चाहेगी कि वो अपनी टीम को और बड़े चैलेंज के लिए तैयार करे, जिससे टीम को फायदा हो। ओपनर के तौर पर पहले टेस्ट में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी फॉर्म की बदौलत सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को साबित करना चाहेंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विराट कोहली भी ये कह चुके हैं कि रोहित शर्मा का टेस्ट क्रिकेट में समय आ गया है और उन्हें लाल गेंद से क्रिकेट का आनंद लेना चाहिए। टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी कमाल की है, जिसमें रोहित के बाद कोहली, पुजारा, मयंक, बिहारी जैसे बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने में आगे हैं। इससे पहले की बात करें तो साल 2017 में पूरी भारतीय टीम इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ढेर हो गई थी। भारतीय गेंदबाजों की अगर बात करें तो वो भी बेहतरीन फॉर्म में हैं। इसमें अश्विन और जडेजा जहां शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी भी बुमराह की गैर मौजूदगी में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से एल्गर और डिकॉक शानदार फॉर्म में है और टीम इंडिया को बस इन्हीं दो बल्लेबाजों से निपटना है। अब देखना होगा कि दूसरे टेस्ट मैच में विराट एंड कंपनी क्या कमाल दिखाती है। नजर बनाए रखिएगा, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।